अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर एंजॉयिंग योर ऑनलाइन क्लासेस। आई ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट यू हैड लिसन टू द फर्स्ट लेक्चर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 ऑफ कंप्यूटर साइंस, एंड हैड ग्रास्प्ड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। टुडे वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डेटाबेस बेसिक्स। Before moving on to the next topic, I would like to give a recap of the previous lesson. So there were three main things that we studied. What is data? What is information? And what's the difference between them? Data, raw collection of facts and figures, is termed as data. For example, students' name, students' roll number, students' address, they all can be termed as data. And information is the processed form of data. Data is usually termed as input, and information can be termed as output. Moving on to the next topic, that is ऑपरेशंस और प्रोसेसिंग। आप लोगों ने ऑपरेशंस और प्रोसेसिंग को कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। वी कैन कॉल ऑपरेशंस प्रोसेसिंग एज वेल। द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ डेटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट्स इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। The software is used to process data. Manipulation का मतलब है any kind of work. Means कुछ भी काम जो हम data पे करेंगे उसको हम manipulation कहते हैं. So working on data can be termed as data processing. Computer में जब हम processing की बात करते हैं तो computer में प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। सॉफ्टवेयर्स क्यों यूज़ होते हैं? बिकॉज मेन प्रोसेसिंग यूनिट तो प्रोसेसर है, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? सॉफ्टवेयर देता है। सो वी कैन सी दैट सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड टू प्रोसेस द डेटा। द सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स डेटा इंटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। A series of actions or operations are performed on data to get the required output or result. Means data पे हम बहुत सारे operations करते हैं, उस पर manipulation करते हैं, और उसके बाद हमें required output या result obtain हो जाता है। Then we have categories of operations. कैटेगरीज मीन्स उसकी डिविजन्स। तीन मेन कैटेगरीज हैं, डेटा कैप्चरिंग, डेटा मैनिपुलेशन, मैनेजिंग आउटपुट। वन बाय वन अब हम इसकी डिटेल में जाएंगे। फर्स्ट इज डेटा कैप्चरिंग। कैप्चर का लिटरल मीनिंग क्या है? टू गेट, to collect. So it can be defined as the process of recording the data in some form is called data capturing. For example, मैं आप सब students को कहती हूँ कि अपनी details, your names, addresses, telephone numbers या अपना bio data मुझे किसी form पर लिख के दें, तो मैं उस वक्त क्या कर रही हूँ? I am capturing the data. डेटा इज़ कैप्चर्ड बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। सो प्रोसेसिंग से पहले हमेशा डेटा को आपको कैप्चर करना होगा। डेटा मे बी रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट्स। व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स? इट इज़ द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन विच डेटा इज रिटन और नोटेड व्हेन कलेक्टेड।
मीन्स लेट सपोज मैंने आप लोगों का डाटा कलेक्ट करना है और मैं आपको एक फॉर्म बना के देती हूँ कि काइंडली फिल दीज फॉर्म्स, जिसमें आपके नेम का कॉलम होगा, आपके एड्रेस का कॉलम होगा, आपके फ़ोन नंबर का कॉलम होगा, तो उस डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे इट्स अ सोर्स डॉक्यूमेंट. डेटा कैन ऑल्सो बी गिवन डायरेक्टली टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस. सो हो सकता है कि मैं पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स में कैप्चर करूँ और फिर डेटा को एंटर करूँ इनटू द कंप्यूटर, और हो सकता है कि मैं डायरेक्टली कंप्यूटर में डेटा एंटर कर दूँ. डेटा इज कैप्चर्ड थ्रू इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस आप लोग फर्स्ट ईयर में पहले पढ़ चुके हैं. दे आर यूज टू गिव डेटा इनटू द कंप्यूटर. दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट सर्व द पर्पज ऑफ एंट्रिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर. फॉर एग्जांपल टच स्क्रीन हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, एंड द कॉमन वंस आर माउस एंड कीबोर्ड. सो ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज डेटा मैनिपुलेशन. दिस इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑपरेशंस. डेटा मैनिपुलेशन से क्या मुराद है? मैनिपुलेशन में आपको बता चुकी हूँ, मैनिपुलेशन मीन्स एनी काइंड ऑफ वर्क, एनी काइंड ऑफ वर्क जो कि आप डेटा पे कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं? क्लासिफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, समराइजिंग. आई विल डिस्कस ऑल दीज फोर इन डिटेल राइट नाउ. सो कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेटा मैनिपुलेशन, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटा इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन. मीन्स एनी काइंड ऑफ वर्क दैट इज बींग डन ऑन द डेटा, एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस दैट आर बींग डन ऑन द डेटा. डेटा मैनिपुलेशन की जो फर्स्ट टाइप है दैट इज द क्लासिफाइंग. क्लासिफाई वर्ड टर्म से ही पता चल रहा है, टू डिवाइड इनटू द क्लासेस. फॉर एग्जांपल द डेटा इन अ कॉलेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. वन ग्रुप इज फॉर द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अदर ग्रुप इज फॉर द डेटा ऑफ टीचर्स. इसकी और एग्जांपल्स ये हो सकती हैं कि आपके डिफरेंट क्लासेस हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर. डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन द स्टूडेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू दीज फोर ग्रुप्स. सिमिलरली आर्ट्स और साइंस की भी एग्जांपल हो सकती है. आर्ट्स स्टूडेंट्स आर केप्ट इन द आर्ट्स ग्रुप एंड दोज हु आर स्टडिंग साइंसेज आर केप्ट इन द साइंस ग्रुप. So there are, this is one example of data manipulation, which is that you are classifying the data. The other example of data manipulation is calculations. Whenever you get the data, it depends ki aapne us pe kya operation perform karna hai. Classifying ko hum discuss kar chuke hain. कैलकुलेशंस में आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं? एनी काइंड ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेशंस. एरिथमेटिक मींस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. दीज आर ऑल एरिथमेटिक ऑपरेशंस. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा मैनिपुलेशन व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डेटा. एंड दिस एग्जाम्पल और कैटेगरी ऑफ डेटा मैनिपुलेशन इज कॉल्ड कैलकुलेशन. The third example of data manipulation is sorting. Sorting kya hoti hai? The process of arranging data in a logical sequence is called sorting. Logical sequence kya ho sakta hai? For example, the data can be sorted numerically or alphabetically.
आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर्स आते हैं, मार्क्स या आते हैं, आप उनको अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सो वी कैन सी दैट यू आर डूइंग सॉर्टिंग. असेंडिंग क्या होता है? छोटे से बड़ा नंबर. डिसेंडिंग क्या होता है? बड़े से छोटा नंबर. सो इस ऑपरेशन को हम क्या कह सकते हैं, या इस काइंड ऑफ डेटा मैनिपुलेशन को हम क्या कह सकते हैं? सॉर्टिंग. सिमिलरली अल्फ़ाबेट्स को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं? असेंडिंग और डिसेंडिंग, सेम. अगर ए वाले वर्ड्स को आप पहले लिख रहे हैं, देन बी, देन सी, वी कॉल इट एन असेंडिंग ऑर्डर. और अगर आप जेड से स्टार्ट कर रहे हैं, सो वी कॉल इट अ डिसेंडिंग ऑर्डर. सो द डेटा कैन बी सॉर्टेड न्यूमेरिकली और अल्फाबेटिकली. सो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग. वन मोर एग्जाम्पल और कैटेगरी ऑफ डेटा मैनिपुलेशन इज समराइजिंग. ये समराइजिंग वही समराइजिंग है जो कि आपको अक्सर इंग्लिश या उर्दू के टीचर्स बताती हैं कि समराइज दिस पैराग्राफ. मीन्स बहुत सारे डेटा में से कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, उसको स्मॉल अमाउंट में रिड्यूस करना. द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ मोर कॉन्साइज एंड यूजेबल फॉर्म इज कॉल्ड समराइजिंग. दैट मीन्स जब आप किसी चीज़ को समराइज करते हैं तो वो कॉन्साइज भी हो जाती है, मीन्स स्मॉल, कॉम्पैक्ट, और यूजेबल फॉर्म में आ जाती है. मीन्स आप उसमें एक्स्ट्रा और इररेलेवेंट मटेरियल जो है वो उसको रिमूव करते हैं और वो यूजेबल फॉर्म में आ जाती है. एग्जाम्पल, पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक्स डेली. डेटा ऑफ बैंक कैन बी समराइज्ड टू शो द टोटल मनी डिपॉजिटेड इन अ पर्टिकुलर मंथ इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑल डिपॉजिट्स. मीन्स बहुत सारे डिपॉजिट्स एक बैंक में हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एट द एंड ऑफ डे और एट द एंड ऑफ मंथ, अगर बैंक जो है वो उनको टोटल कैलकुलेट करने के बाद या टोटल जो है वो एट द एंड उनको जो नेट रिजल्ट मिलता है कि टोटल डिपॉजिट्स कितने हुए हैं, सो वी कैन से दैट दे हैव समराइज्ड देयर डेटा. मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट. द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा आफ्टर द डेटा हैज़ बीन कैप्चर्ड एंड मैनिपुलेटेड. हम लोगों ने तीन मेन एक्टिविटीज़ देखी थी ऑपरेशंस की. पहली एक्टिविटी क्या थी? डेटा कैप्चरिंग. दूसरी एक्टिविटी क्या थी? डेटा मैनिपुलेशन, जिसकी हमने आगे बहुत सारी टाइप्स पढ़ी, जिसमें क्लासिफाइंग आ गया, सॉर्टिंग आ गया, आपकी समराइजिंग आ गया. लास्ट जो डिवीजन है ऑपरेशंस की या प्रोसेसिंग की, उसको हम कहेंगे मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट. द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा आफ्टर द डेटा हैज़ बीन कैप्चर्ड एंड मैनिपुलेटेड. सो कैप्चरिंग और मैनिपुलेशन के बाद थर्ड टाइम काम क्या होगा? मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट. मैनिपुलेशन के बाद जो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, जिसको हम आउटपुट कहते हैं, अब उसको मैनेज करना है. मैनेज कैसे किया जा सकता है? चार तरीकों से: स्टोरेज, रिट्रीवल, कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन. वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज फोर इन आर नेक्स्ट स्लाइड्स. स्टोरेज क्या है? स्टोरेज के टर्म से आप फेमिलियर हैं. द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डेटा फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड डेटा स्टोरेज. मीन्स आप लोग जब डेटा को सेव कर लेते हैं, आइदर टेम्पररीली और परमानेंटली, सो वी कॉल इट एज स्टोरेज. कंप्यूटर में डेटा को कैसे स्टोर करते हैं? यू हैव डिफरेंट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस विद यू, लाइक सीडीज, यूएसबीज़,
मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क खैर अब ऑब्सोलीट हो गई हैं, मोर कॉमन यूएसबी ड्राइव्स जो हैं वही आजकल यूज़ हो रही हैं. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस दैट कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ डेटा. देन वी हैव रिट्रीवल. Retrieval is another activity that can be performed in managing the output result. Retrieve का मतलब क्या है? To get, to acquire, to fetch. The process of accessing or fetching the stored data is called as data retrieval. यानी आप जब data को retrieve कर रहे हैं, so जो भी store किया हुआ data है, so we call it as retrieval. हम डेटा को स्टोरेज डिवाइसेस से जब भी अगर वो परमानेंटली स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर हुई हुई हैं तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन रिट्रीव देम. और रिट्रीव करने के बाद हम उसको डिफरेंट फॉर्म्स में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, रिपोर्ट्स की फॉर्म्स में, ग्राफ्स की फॉर्म में एंड चार्ट्स की फॉर्म में. कम्युनिकेशन. आउटपुट रिजल्ट जो आपको मिला है उस पर आप एक और काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेट, ये वही कम्युनिकेशन है जो कि आप डेली लाइफ में कर रहे होते हैं. राइट नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू पीपल, आई एम ट्रांसफरिंग सम डेटा टू यू. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड एज डेटा कम्युनिकेशन. ईमेल की इसकी एक एग्जांपल है कि आप ईमेल के थ्रू किसी को डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं. द डेटा मे बी ट्रांसफर टू डिफरेंट लोकेशंस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. फॉर एग्जांपल द रिजल्ट कैन बी सेंट टू द स्टूडेंट्स थ्रू ईमेल. देन वी हैव रिप्रोडक्शन. रिप्रोड्यूस करना मीन्स डुप्लीकेट कॉपीज बनाना, मजीद कॉपीज बनाना. द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग डेटा इज कॉल्ड reproduction of data. So it's another operation that you can perform on the output result, कि आप उसको duplicate कर सकते हैं. Data can be reproduced if different users need data at different locations. एक copy आप एक location पर send कर दें, दूसरी copy दूसरी location पर send कर दें. So reproduce करने का आपको बहुत advantage है. Similarly, आप मल्टीपल कॉपीज डिफरेंट डिवाइसेस में भी स्टोर कर सकते हैं. इसका फ़ायदा आपको ये भी होता है कि इन केस ऑफ डेटा लॉस आप दूसरे किसी डिवाइस से उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू सो मच.